बच्चों को हैंडराइटिंग सिखाने का आसान तरीका है कि सबसे पहले बच्चे को अपन पेन पकड़ा दे हाथ में, उसके मार्कर पकड़ा दें, ब्लैंक पेपर दे दें या बोर्ड दे दें, कुछ भी, जिससे वो पेन पकड़ना सीखेगा, उसको कुछ भी बनाने दें उसको उल्टा सीधा उसके ऊपर, जिससे पेन पकड़ना सीख जाएगा वो। उसके बाद अपन उसको सीधी लाइन बनाना सिखाएं, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ऊपर से थोड़ा हाथ उसका संभलेगा। जैसे लाइन बनाने सीखने के बाद उसको अपन उसमें डॉट डॉट करके उसको रेक्टेंगल बनाना सिखाएं या चौकोर ओ बनाना सिखाएं, डॉट डॉट करके, और उसको डॉट मिलाना सिखाएं, इसके ऊपर ओवर राइटिंग करना सिखाएं। उस पर अपन कुछ भी बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ए के ऊपर ओवर राइटिंग करेगा तो ए बनाना सीखेगा। स्टार्टिंग में कुछ भी बनाना सिखाएं, उसको बी बनाना सिखाएं, सी बनाना सिखाएं, ओवर राइटिंग करेगा तो उसका हाथ संभलेगा थोड़ा। अपन इसको बोर्ड पे ले सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि पेन पे लेंगे, कॉपी पे लेंगे, ब्लैंक पेपर पे लेंगे तो उसको अपन को पेपर हटाना पड़ेगा। बार बार करवाएं ओवर राइटिंग, जितना उसको ओवर राइटिंग कराएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेगा बच्चा, उतना ही हाथ उसका संभलेगा। ओवर राइटिंग होने के बाद, ओवर राइटिंग हो जाए उसके बाद अपन उसको मैच कराना सिखाते हैं। जैसे ए बना दिया अपन ने, बी बना दिया, सी बना दिया, डी बना दिया, उसको मैचिंग कराना सिखाओ। ए से ए मैच कराना, बी से बी मैच कराना, सी से सी मैच कराना, जिससे क्या बच्चा ए बी सी डी को समझेगा, लाइन खींचना सीखेगा। ए बी सी डी को मैच करेगा तो ए बी सी डी को लाइन खींचना सीखेगा। ए बी सी डी के बाद अपन उसको 1 2 3 भी करा सकते हैं, जैसे वन से वन मिलाना है बेटा, वन से वन मिलाओ, तो वन टू से से टू वन मिलाओ, मिलाएगा वो वन भी समझेगा, वेरी टू भी गुड। समझेगा, थ्री भी वन से वन समझेगा। मिलाओ, वेरी गुड। थ्री से थ्री मिलाओ, और उसका जितना हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा हाथ संभलेगा। वेरी नाइस, उसके बाद वेरी वन टू थ्री गुड। जैसे पर्पल से अपन पर्पल कलर भी मैच मिलाओ, करवा सकते हैं उससे, जैसे ब्लू से ब्लू डॉट डॉट बना दो मिलाओ, आप बड़े बड़े, और कलर वेरी कलर गुड। के ब्लू ऑरेंज से से ऑरेंज ब्लू मिला मिलाओ, दो, और ऑरेंज से ऑरेंज वेरी गुड। मिलाओ, ग्रीन से ग्रीन मिलाओ, ग्रीन से ग्रीन मिलाओ। बच्चों को वेरी कलर भी गुड।